Bismillah, Salatu Wassalam Alayka, Ya Rasulullah, Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in. Student, class 10th के student, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कल हमने जो है बच्चों पढ़ा था लेसन नंबर 2 चाइनीज यूएस के फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स. फर्स्ट 3 पैराग्राफ के आपने जो है व्हाट मीनिंग ट्रांसलेशन रीडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ मैंने पूरी तरह बात की थी वो आपने की थी. तो आज हम जो है नेक्स्ट करते हैं ओपन पैराग्राफ नंबर 4. पैराग्राफ नंबर 4 उसके वर्ड मीनिंग, फिर पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 7 इनके पैराग्राफ के रीजन, यानी छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, इसलिए जो है हम इनको जो है सेकंड पार्ट में लेते हैं. यानी आधा लेसन हमने जो है कल किया था और आधा लेसन जो है अभी करने लगे हैं. तो पैराग्राफ नंबर 4 के जो है ट्रांसलेशन से पहले जो है हम इनके वर्ड मीनिंग की रीडिंग करते हैं, आप भी साथ साथ रीडिंग भी करें, तवज्जो करें और इसको फिर उसी तरह जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक साइड में वर्ड्स लिखने, एक साइड में मीनिंग लिखने हैं, वो अपनी नोटबुक में नोट करें, डेट लगाएं इसके ऊपर. ठीक है, कल को इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे चंद दिनों के बाद, फिर वो आपकी नोटबुक जो है वो चेक की जाएगी कि क्या आपने जो है इसको फॉलो भी किया है या नहीं, या टीचर ने जो उन्होंने पढ़ाया आपको वो उसको आपने लिखा है या किया है या नहीं. तो स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 4 का मीनिंग है एम, एम में आता है शाम या रात. रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब आता है रिश्तेदार. डिनर, इशाया, यानी जो शाम का खाना होता है उसे डिनर कहते हैं, दोपहर के खाने को लंच के नाम से जो है कहा जाता है. पार्टेक में आता है शिरकत करना. पार्टेक शिरकत करना स्पेसिफिक, मखसूस या खास. सर, पेश करना. इसी तरह से टिपिकल, मामूली. प्रोस्पेरिटी, खुशहाली. लॉन्ग लास्टिंग, उम्र राजी. व्हाट? लॉन्ग लास्टिंग, उम्र राजी, लंबी उम्र ना. प्रैक्टिस, मामूल. एडल्ट, बड़ा. एडल्ट, बड़ा. फिल्ड विद, भरे हुए. वेल्थ, वेल्थ, दौलत. वेल्थ बोलते हैं वेल्थ इसको, यानी पेश के तौर पर वॉ के तौर पर वॉ को जो है जमीन को बोला वेल्थ. दौलत. प्रेजेंट, पेश करना. अनमैरिड, गैर शादीशुदा. रिसिपिएंट, वसूल करना, यानी जो वसूल कहते हैं जिसको मतलब एक जो है गिवर होता है, दूसरा जो है रिसिपिएंट जो लेता है, वसूल करता है. वसूल करने वाला, लेने वाला, वसूल करने वाला. जॉडियक, मंतकदर बलूच. व्हाट इज जॉडियक? जॉडियक बेटा ये जो है चाइना का एक कैलेंडर है, जैसे हमारा कैलेंडर है, हमारा तो इस्लामी कैलेंडर है, मुहर्रम सफर से जो मुहर्रम से स्टार्ट होता है. ठीक है ना? तो ये बात है कि एज ए मुस्लिम यू हैव टू लर्न 12 मंथ, इस्लामिक 12 मंथ, नेम ऑफ इस्लामिक 12 मंथ, मुहर्रम सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िकार, ज़िलहज, ये आपको जो है ना याद होने चाहिए इस तरह से 12 मंथ, क्योंकि मुसलमान है, मुसलमानों का कैलेंडर यही है. लेकिन इंटरनेशनली फॉलो द इंग्लिश कैलेंडर, स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, बट चाइनीज पीपल जो है उनका जो है ये कैलेंडर है ज़ज, कपल बलूज बोला जाता है, ज़ोडियक कहा जाता है. ये महीनों की बजाय 12 सालों पर महीन होता है. ये 12 सालों का एक कैलेंडर होता है और हर साल को एक जानवर के नाम से मंसूब किया जाता है. मतलब फर्स्ट, अगर पहला साल है फर्स्ट कर ले, वो पहले साल को उन्होंने जो है गोट का नाम दिया हुआ है, सपोज आप कर रहे हैं. तो नेक्स्ट जो है ये जो है दूसरा साल है उसको उन्होंने कैट के नाम से मंसूब किया हुआ है. थर्ड जो है उन्होंने जो है डॉग से किया हुआ है. सो इस तरह से उन्होंने जो है 12 सालों पर जो मजीद उनका ये मुश्तमल है, ये कैलेंडर जो है ये 12 सालों पर जो है मुश्तमल है. और 12 साल के बाद फिर वो जो है पहले पे आ जाते हैं. तो उनका मकसद ये है, वो कहते हैं कि ये इसके जानवरों के जो नाम दिए गए इन सालों को, तो इन सालों के अंदर जो बच्चे जो है इन सालों में पैदा होते हैं उन बच्चों के अंदर जो है वो करेक्टर, उनका किरदार भी जो है
उन जानवरों जैसा ही होता है। तो जो भी उनकी अपनी एक सोच है, एक माइंड जैसे भी है, तो जो जाडियन एक 12 सालों पर नहीं है कैलेंडर, उसको जाडियन बोला जाता है। मंगल और वृष वृष, ठीक है। रैपिंग है पेश करना, बिलीव यकीन होना, पार्टिकुलर खास करेक्टर फित्री, ठीक है, या करदार। ट्रेड खासियत, हम तो कहते हैं इकट्ठे होना, ठीक है। रे इन बिगो रेट, ट्रेन बिगो रेट का मतलब है ताजा दम का लेना। जैसे बंदा थक जाता है, थकने के बाद जो है कुछ टाइम के लिए रेस्ट को जो है अपने आप को रेस्ट देता है, तो उसमें वो जो अपने आप को ताजा दम का देता है। तो सो दीज आर वर्ड मीनिंग पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6 and 7। तो नाउ गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसलेशन रीडिंग पैराग्राफ नंबर 4। On the end of the Chinese New Year, Arabic Chinese साल नो की रात, it is customary to visit, ठीक है, रिवाज है to visit relative रिश्तेदार से मिलना, and partake in a large dinner, और एक बड़े खाने में शिरकत करना। ये उनका यह रिवाज है साल नो की रात को, ये फंक्शन का होता है, ठीक है। And where a number of specific foods are preserved, यहाँ पे कह रहा है कि खास किस्म की जो है खाने के किस्म के खास किस्म के खाने जो है पकवान जो है पेश किए जाते हैं। It is typical for a Chinese family, चीनी लोगों के लिए खानदानों के लिए एक आम बात है, एक रिवाज है to make 8 to 9 dishes for The New Year's at dinner. अब ये at dinner होता है, ये शाम का खाना होता है। इस खाने में उनका एक रिवाज कह लें, उनका एक आम रिवाज कह लें, किसमें जो है वो कह रहा है कि 8 से 9 खाने पेश किए जाते हैं। Why? We read about it. अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि why क्यों ये पेश किए जाते हैं कि New Year's at dinner because, क्योंकि in these languages, in Chinese language, क्योंकि चीनी ज़बान में वो कह रहा है कि the word eight means prosperity, eight का मतलब होता है खुशहाली, and the word 9 means long lasting, और 9 का मतलब होता है लंबी उम्र। तो so इसलिए जो है वो 8 to 9 जो है वो पकवान जो है उस रात जो है पेश करते हैं, जिसमें उनका मकसद होता है कि अगर आप 8 खाने पकाएंगे तो खुशहाली आएगी, 9 में तुम्हारी उम्र लंबी होगी। तो पैराग्राफ नंबर 5 ये है गिविंग गुड लक गिफ्ट, खुशकिस्मती के तहाय पेश करना है, या उनका तबादला करना, जैसे हम ईद पर जो है अपने गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, ठीक है, फिर नमाज खुशी के प्रोग्राम ईद मुबारक इस तरह से वो इसको जो है बदला करते हैं। इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कह रहा कि ये एक रवायती मामूल है फॉर अडल्ट्स बड़ों के लिए टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स, कि वे छोटे बच्चों को जो है बड़े बच्चों को बड़ों के लिए कि वो गिव लिटिल छोटे सुरख रंग के जो है एनवेलप्स लिफाफे देते हैं विद फिल्ड विद जो भरे होते हैं मनी रुपयों से, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ, और ये जो है दौलत के अलामत समझे जाते हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली के लिए फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए, तो वो जो बड़े लोगों को जो है रेड कलर के एनवेलप पेश किए जाते हैं जिसमें रुपए पैसे होते हैं। इट इज ऑल्सो है कॉमन फॉर एल्डर, कह रहा है खानदान के जो छोटे प्राण होते हैं उनके लिए जो है आमतौर पर यह रिवाज है तो पेश प्रेजेंट पेश किए जाते हैं रेड पैकेट्स सुरख रंग के लिफाफे टू अनमैरिड मेंबर्स गैर शादीशुदा लोगों के लिए, ठीक है ना, कि इट इज ऑल्सो कॉमन, ये भी काम रिवाज है फॉर एल्डर्स के बड़ों को पेश करते हैं द टू प्रेजेंट पेश करते हैं रेड पैकेट्स सुरख रंग के पैकेट किनको
unmarried members, गैर शादीशुदा लोगों को और फैमिली खानदान के लिए तो envelopes are not to be opened, तरह लिफाफे नहीं खोले जाते हैं until उस वक्त तक the recipient has left the home of the giver, कि जब तक लेने वाला जो है लेने वाले के घर से चला जाए नहीं पहने वाले तरह कि जैसे गिफ्ट होता है उसको फौरी तौर पर खोलना शुरू कर देते हैं उनके सामने नहीं वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो वो जो गिफ्ट होते हैं अपने घर में ले जाते हैं वहां पे जाके दूसरे उसको जो है ओपन करते हैं खोलते हैं तो पैराग्राफ नंबर वो यानी पहले बड़ा छोटे बच्चों को जो है वो सुनकर आगे लिफाफे देते हैं ठीक है जिससे पैसे होते हैं बड़ों के लिए वैसे बच्चों के लिए वो जो है ये तोहफे देते हैं जो अपने घर में जाते होते हैं ऑनरिंग द एनिमल्स जानवरों को इज्जत देना ठीक है कैसे एवरी ईयर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडियक कि चीनी मंत्र ब्रूच का हर साल 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मंसूब किया जाता है ज़ोडियक 12 जानवरों को वो जो कैलेंडर है उसके हर साल को ये 12 जानवरों के साथ मंसूब किया जाता है दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड कहना कि ये जानवर अक्सर पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशन में हमें घरों में जो डेकोरेशन करते हैं दीवारों पर दरवाजों पर उनके मुख्य किस्म वही जानवर जो है उनको बनाया जाता है उनको घरों के अंदर जो है डिस्प्ले किया जाता है दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड पेश किए जाते हैं जो है इन डेकोरेशन रिहायशों में रहायशों में Some people believe, कुछ लोगों का यकीन है that those born during the year, वो जो इन सालों के पैदा होते हैं दौरान पैदा होते हैं हम पर्टिकुलर एनिमल इन खास जानवरों के सालों में मे हैव द करेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल कि उस जानवर की फितरी खसूसियात के वो मालिक हो सकते हैं यानी जैसे जानवरों की खसूसियत है ऐसे ही वो जो सालों के अंदर पैदा होने वाले बच्चे हैं उनमें भी जो है इसी किस्म की खसूसियत हो मैंने कहा कि आपकी ठीक सोच है आपकी सोच है लोगों की कौन की तो पैराग्राफ नंबर 5-7 द लास्ट वन पैराग्राफ दिस चैप्टर चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम यानी चीनी साल का वक्त होता है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर जब खानदान के लोगों को इकट्ठे होना चाहिए होना होता है इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स शुक्रिया अदा करने के लिए किस चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए फॉर द न्यू ईयर साल का कौन से साल का दैट हैज पास गुजर चुका है गुजरे साल का शुक्रिया अदा करने के लिए वो जो इकट्ठे होते हैं एंड रेन दे गो रे और ताजा दम करते हैं जब चाल खुद को कैसे फॉर द कमिंग ईयर नए आने वाले साल के लिए अपने आप को करता दम करते हैं यानी उस दिन जो है कहते हैं जाने वाले साल को जो है वो जो है खुदाफिज कहते हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले साल को वेलकम करते हैं ताकि जो है उनका जो साल जो अच्छा गुजरे और अपने आप को जो है रेन रिकॉर्ड करते हैं ताजा दम करते हैं ताकि वो साल में मजीद अपनी जो है पोटेंशियल तवानाइयों के साथ इस साल को बसर करें तो सो स्टूडेंट्स सब बच्चों आपने जो है चीनी रिवायात के बारे में कुछ पढ़ा है चाइना के लोगों के बारे में पढ़ा है कि वे चाइना इज आर बेस्ट फ्रेंड चीन जो है हमारा एक अच्छा दोस्त है और हमारा एक नेबर कंट्री हमारा हमसाया मुल्क भी है हमारे इसके साथ बड़े अच्छे तलाकात हैं 1947 से बड़े अच्छे 1948 से बड़े अच्छे तलाकात हैं तो और हमारे बहुत से बिजनेस बहुत बड़ा हमारा पाकिस्तान का जो है बिजनेस पार्टनर भी है ठीक है तो बच्चों इसके बारे में आपने पढ़ा है लेकिन आपने इससे जो इंजॉय भी किया होगा कि उनकी रवायात कैसी हैं और उनकी जो है रसूमात कैसी हैं और ये ज़ोडियक के बारे में जैसे 12 जानवर होते हैं उनके नामों से डेकोरेशन करते हैं फ्यू के बारे में पढ़ा है फ्यू वर्ड जो है कि उसका मतलब जो है खुशकिस्मती कह रहे हैं खुशहाली कह रहे हैं तो आपने जो है इसको रिवाइज करना लेसन को कोई मजीद मीनिंग का आपको जो है पता ना हो तो जैसे मैंने रीडिंग की है वर्ड टू वर्ड रीडिंग भी मैंने की है आपके सामने तो आप इसको जो है रीड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इस लेसन को तैयार करें मेरा आपका लाभ है।